हेलो सो डेडी उसमें आप लोग का स्वागत है। और जैसे कि मैंने आप लोग से कहा था कि मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज यहाँ पे जो वो आ चुका है और वो सरप्राइज है चार सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 के गिव अवेज की। जी हाँ, यहाँ पे पहले आपको बता रहे थे कि फाइनली यहाँ पे सैमसंग ने अपने ऑन 8 को जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। और इस बार आपको इस वाले सीरीज के अंदर डुअल कैमरा मिलता है, इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलती है और एक अच्छी खासी आपको बैटरी भी देखने को मिलती है। तो सैमसंग ने इस बार जो वो अच्छा काम किया है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को सैमसंग के ऑन 8 का अनबॉक्सिंग हैंड्स ऑन दूंगा और साथ में आप लोगों को यहां पे बता दूंगा कि मैं 1, 2, 3, 4 सैमसंग के ऑन 8 इस वीडियो में यहां पे जो वो गिव अवे करने वाला हूं। तो वीडियो आप देखते रहिए, वीडियो के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे एंटर करना है। और मैं कुछ दिनों के अंदर ही अपने किसी एक टेक्न्यूज की सीरीज के अंदर इन विनर्स को अनाउंस करूंगा और चार विनर को ये वाले फोन जो वो शिफ्ट कर दूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से शुरुआत करते हैं सैमसंग के ऑन 8 की अनबॉक्सिंग हैंड्स ऑन और गिव अवे से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो बॉक्स अब देखेंगे, आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 लिखा गया है, 4GB की रैम और 64GB की आपको यहाँ पे स्टोरेज मिलती है। और सैमसंग ने यहाँ पे इसकी जो प्राइस रखा है वो है 16,990 रुपए की। यहाँ पे देखेंगे ऑन 8 लिखा है सामने की तरफ इन्फिनिटी और पीछे देखेंगे आपको यहाँ पे हाईलाइटिंग फीचर और स्पेसिफिकेशन जो वो दी गई है। यहाँ पे आप लोग इसके अंदर जो वो 6 इंच की एक HD+ की जो डिस्प्ले मिलती है, एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले, सैमसंग की इन्फिनिटी डिस्प्ले, तो डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का मिलेगा। 16+5 मेगापिक्सल का आपको डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा उसमें आपको f1.7 का एपर्चर मिलता है और जो सेकेंडरी है उसमें आपको f1.9 का मिलता है। और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी भी मिलता है जिसमें आपको फ्लैश भी देखने को मिलता है और ये आपको f1.9 का एपर्चर मिलता है। स्नैपड्रैगन का 450 का आपको प्रोसेसर मिलता है, 3500 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमारा फोन आता है, इसको पे जो वो प्लास्टिक से बाहर निकाल देते हैं और आप देखेंगे इस तरीके का आपको मिलता है और ये कलर मुझे काफी सही लग रहा है। और इसको फिलहाल के लिए हम जो वो साइड में रखते हैं, देखते हैं कि आपको बॉक्स में जो वो क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपको क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक चार्जर मिलता है इस तरीके का। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो वो ईयरफोन्स मिलते हैं और यहाँ पे आप लोग को USB केबल मिलता है, माइक्रो USB केबल है, आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। और फाइनली आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर जो वो पिन मिलता है। तो यहाँ पे हम आते हैं हमारे फोन की तरफ और फोन आपको बहुत ही स्लिम मिलता है, काफी लाइट वेट है। और एक चीज मुझे सैमसंग के फोन की अच्छी लगती है कि डिजाइन और डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल के मिलते हैं और ये कुछ इस तरीके का मिलता है। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो नीचे आप देखेंगे आपको माइक्रो USB पोर्ट, आपको माइक होल और 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। राइट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे पावर बटन और ऊपर की तरफ आपको स्पीकर आउटपुट मिलता है। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है और 2 SIM ट्रे मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी मिलता है, तो 2 SIM और 1 माइक्रो एसडी कार्ड जो वो लगा सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो कैमरे की प्लेसमेंट आपको देखेंगे इस तरीके की मिलती है डुअल वाली और आपको LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर और सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और सामने भी देखेंगे आपको यहाँ पे जो फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, ईयरपीस, LED नोटिफिकेशन सेंसर और आपको फ्लैश भी जो वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम जो फोन को फटाफट से बूट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने फोन को जो बूट कर दिया है। और अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करता हूँ, मैंने ब्राइटनेस थोड़ी सी यहाँ पे जो कम रखा था, तो ये देखेंगे डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का मिलता है, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वीवी एंगल्स आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है, HD+ का आपको रेजोल्यूशन मिलता है। तो डिस्प्ले आपको बहुत ही सही मिलेगा, आपको वीडियो देखना है, गेम खेलना है, तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे कोई भी इश्यू जो नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं और एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे जो एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और हमें नहीं पता कि आपको लेटेस्ट वर्जन कितना जल्दी मिलेगा, लेकिन हाँ आपको फिलहाल के लिए इसमें जो एंड्रॉइड 8.0.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और अगर मैं स्टोरेज और रैम की बात करता हूँ तो हम जाते हैं डिवाइस मैनेजर के अंदर और यहाँ पे हम जाते हैं स्टोरेज के अंदर। और 64GB में से आप देखेंगे 51GB के आसपास आपको स्टोरेज फ्री मिलती है। और अगर मैं रैम की बात करूं तो आप लोगों को 4GB की रैम मिलती है, लगभग से 1.9GB के आसपास आपको रैम यहाँ पे जो वो फ्री मिलती है। और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको जो वो कस्टमाइज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट की एक्यूरेसी की बात करूं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर इस बार आपको सही मिलता है। आप देखेंगे मैंने सेटअप किया हूं, मैं टच करता हूं और ये देखेंगे आप ओपन करता है, फिर से मैं दिखाता हूं आपको, टच करता हूं और ये देखेंगे ओपन हो जाता है, फिर से एक बार देख लेते हैं, टच करता हूँ और ये देखेंगे ओपन हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको काफी अच्छा मिलता है, फेस अनलॉक भी आपको वैसे ही मिलता है। और ज्यादा आपको कुछ दिखाने के लिए नहीं, सैमसंग के आपको वही सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मिलते हैं, सैमसंग का मॉल मिलता है, सैमसंग पे मिनी मिलता है, ये सारी चीजें मिल जाती है। यहाँ पे मेन बात करते हैं इसकी कैमरे की, जो मुझे काफी पसंद आया इसके अंदर। और यहाँ पे आपको रियर फेसिंग जो कैमरा मिलता है डुअल 16+5 का मिलता है, आपको बोके मोड भी मिलता है, स्टिकर्स का भी सपोर्ट मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सैंपल्स जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे पिक्चर्स काफी अच्छी क्लिक किया है, बैकग्राउंड में बोके भी काफी अच्छा इसने लिया है।
तो कैमरे के अंदर रियर फेसिंग में आपको बहुत ही अच्छे पिक्चर्स यहाँ पे जो वो देखने को मिलते हैं। और सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो उसमें भी आपको बुके मिलता है और सेल्फी भी आप देखेंगे काफी अच्छी आपको यहाँ पे जो वो क्लिक करके दे रहा है। तो कैमरा फोन का काफी अच्छा आपको मिलता है कंसिडरिंग द प्राइस। तो इस फोन को अगर आप कैमरे के माध्यम से भी लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई इशू जो वो नहीं होगा। ये है सैमसंग का गैलेक्सी ऑन 8 और आप मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि आप गिव अवे में यहाँ पे जो वो कैसे एंटर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज आपको याद रखना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये सबसे बड़ा स्टेप है। सेकंड स्टेप आपको वीडियो को लाइक करना है और तीसरी चीज आपको अपने व्हाट्सएप फेसबुक कोई भी आप सोशल ग्रुप में अगर आप एक्टिव है आपको इस वाले वीडियो को जो वो शेयर करना है। ये तीन चीज करने के बाद आपको चौथी चीज ये करना है कि आप लोग को इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे इस वाले फोन की कोई भी दो फीचर्स बताना है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। जी हाँ, आपको रेलेवेंट करना है कमेंट, अगर कमेंट रेलेवेंट नहीं होगा तो वो विनर नहीं होगा। दो फीचर सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 के इस वीडियो के नीचे बताना है। मैं 10 दिन के अंदर ही या 15 दिन के अंदर उस विनर को सिलेक्ट करूंगा रैंडम कमेंट पिकर से और 4 विनर को मैं सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 यहां पे जो दे दूंगा। तो सारे शर्त आप यहां पे समझ गए, मुझे नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।